टोमेटो रेन। एक बार एक आदमी ठेले पे टमाटर रखकर उसे ढकेलते हुए पुकार रहा था। उसके ठेले के सिक्योरिटी के लिए थोड़े बॉडीगार्ड्स गन पकड़े हुए थे। और टमाटर ले लो, टमाटर किलो सिर्फ 1,000 रुपए, किलो सिर्फ 1,000 रुपए, ताजे ताजे टमाटर ले लो भाई, टमाटर ले लो माँ, टमाटर ले लो, कहकर पुकारते हुए खरीदने आए लोगों को तोलकर टमाटर बेचते हुए जाने लगा। एक बार बैंक में एक आदमी बैंक मैनेजर के सामने सोना रखकर लोन पूछा। बगल में एक आदमी टमाटर के टोकरी को रखकर लोन पूछा। बैंक मैनेजर तब, देखो भाई, सोना रखकर लोन देने वाले दिन गए हैं, तुम्हारे पास इनके जैसे टमाटर है तो लेकर आओ, जितना चाहे उतना लोन देंगे, कहा। उस गांव में पत्नियां पति टमाटर नहीं ला रहे कहकर उन्हें मारने लगे तो टमाटर डालकर सालन नहीं बना रहे हैं कहकर पति पत्नियों को मार रहे थे। उसी गांव में एक मुफट आदमी हुआ करता था, उसका नाम जयराम था। आदमी अच्छा था मगर हर काम जल्दबाजी में करता था। उसकी बातें दूसरों को सुनना है सोचता था मगर वो दूसरों की बातें नहीं सुनता था। कोई भी बात पूरी तरह से सुने बिना ही वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाता था, इसलिए लोग उसे मुफट जयराम कहकर बुलाते थे। एक बार रोड पर उसका दोस्त उसे मिलके, यार परसों तुम्हारे बर्थडे के दिन घर से निकला था रे, इतने में मेरे पिताजी का स्कूटर, यूं कहते ही, क्या तुम्हारे पिताजी के स्कूटर को एक्सीडेंट होकर वो मर गए? इतने देर से क्यों बोले रे, अंकल कितने अच्छे थे, अरे अरे, कहते ही वो उसे एक खींच के मारा और निकम्मे पूरी बात नहीं सुनते दरिंदे, मेरे जिंदा पिताजी को मार दिए ना कमीने कहीं के, छी, एक और बार तुम्हारी सूरत मत दिखाना, कहकर चला गया। जयराम दूसरे आदमी के घर जाकर, क्या अंकल, सुना है कि आंटी दुर्गा के साथ भाग गई है, क्या ये सच है? वो दुर्गा देखने में मासूम लगता है मगर इतना बड़ा निकम्मा है कहकर मैंने नहीं सोचा, ये लीजिए मेरे पिताजी आपको ये किताब देने के लिए बोले, कहते ही वो उसे एक झापड़ मारकर, पिट्ठे मुंह, भागना क्या रे भागना, पड़ोस घर के दुर्गा जी के साथ वो तिरुपति गई है, वो आवारा दुर्गा राव के साथ नहीं, कमीने, कहकर मारा। एक बार उस गांव को एक स्वामी जी आए, वो मंदिर में सबको प्रवचन सुना रहे थे। गांव वाले सब उनकी अच्छे से अतिथि सत्कार किए। स्वामी जी जाते जाते, गांव वालों, मुझे आपका गांव और आप बहुत अच्छे लगे, मैं जब भी आता हूँ तब मेरी अच्छे से खातिरदारी करके मेरे कहे अच्छे बातों का पालन करके अच्छे रास्ते पे चलते हैं, इसलिए इस बार आपको कोई वर देने की सोच रहा हूँ, क्या वर चाहिए पूछिए, वो वर गांव के भलाई के लिए होना चाहिए, आपके स्वार्थ के लिए नहीं, अच्छे से सोचकर सबके तरफ से कोई एक पूछिए, टाइम लीजिए, एक बार पूछने के बाद फिर से वापस नहीं ले सकते, सोच लेना, कहा। इससे लोग क्या पूछे तो अच्छा रहेगा कहकर सोचने लगे। एक आदमी, हमारे गांव में पीने के पानी की तंगी है ना, उसके बारे में पूछे क्या, कहा। तो एक औरत, इस गांव में एक अच्छा स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, रोड, गंदगी, ऐसी कई समस्याएं हैं। ऐसे सबको चर्चा करते हुए देखकर जयराम को गुस्सा आया। जो बात MLA और MP से पूछनी है वो स्वामी जी से क्यों पूछ रहे हो, आप लोगों को दिमाग नहीं है, मैं पूछूंगा, रुकिए, हमें क्या चाहिए मुझे अच्छे से पता है, कहा। तो गांव का बड़ा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इसके बीच में मत आओ, रुको, कहा। तो जयराम, वाह आपको सब कुछ पता है ना, अरे जाओ भाई जाओ, बड़ा आया, देखिए स्वामी जी हमारे गांव वाले बिना टमाटर के बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें टमाटर की बरसात चाहिए, दिन में एक बार गिरना चाहिए, ये वर दीजिए, कहकर पुकारा लोगों से। मेरी समझदारी देखे ना, इसके लिए बेकार में मीटिंग क्यों लगाए, कहा स्वामी जी तब। अच्छा वर पूछे बेटा, इसके लिए गांव वाले जरूर तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, कहकर आसमान की तरफ हाथ घुमाकर चला गया। बस आसमान से टमाटरों की बरसात गिरने लगी, लोग उन्हें उठाने लगे, जयराम उनकी ओर गर्व से देखने लगा। ऐसे आए दिन टमाटरों की बारिश गिरना, लोग उन्हें उठाना, ये सब चलने लगा।
थोड़े दिनों के बाद थोड़े लोग लठों के साथ जयराम के घर को आए। जयराम उन्हें देखकर, क्या भाई सब ऐसे आए हो, लठों के साथ क्यों आए, कोई समस्या है क्या? चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो चुटकी में हल कर दूंगा, कहा तो गांव का बड़ा, रे मुंहफट कहीं के, इस गांव के लिए तुम ही बड़ी समस्या हो। दरिंदे, स्वामी उतना अच्छा मौका दिए तो टमाटर की बारिश पूछे ना तुमने। बेवकूफ कहीं के, टमाटर का दाम हरदम एक जैसे ही नहीं रहता, सिर्फ एक दिन में ही सबकी समस्या खत्म हो गई है, अब हम आए दिन टमाटर उठा नहीं पा रहे हैं। रे इसका सम्मान करो रे, कहते ही सब उसे पकड़ कर लठों से खूब मारे। उस दिन से गांव में गिरने वाले टमाटरों को गांव वाले जयराम से ही साफ करवाने लगे।